फ्रेंड्स, वी आर बैक, वी आर बैक। संडे खत्म हो गया, मंडे आ गया, दुकानें खुल गई, लोग शॉपिंग कर रहे हैं अपने खाने पीने की चीजों के लिए। वैसे भी पूरा हफ्ते चीजें खुली रहती हैं, मगर ऐसा महसूस होता है कि संडे के बाद, वो कहते हैं ना हफ्ते में एक ही दिन दुकान खुली रहेगी, मैं तो कभी कोई दुकान बंद देखी नहीं, मगर चलो बंद होनी चाहिए सब दुकानें। लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोशिश करो 3 मई के बाद ये सब मैटर सॉल्व हो जाएगा। दिस विल सॉल्व, आई एम श्योर, लाइफ विल बिकम नॉर्मल, हम सब अच्छे हो जाएंगे, हम लोग में इतनी ताकत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो एनीवे, मंडे शॉपिंग डे होता है, तो आई थिंक कुछ ग्रोसरीज की और जो मेन शॉप्स है वो खुली होती है, तो आपको जो चाहिए हफ्ते का सामान ले लो, एंड देन यू नो बाकी का थोड़ा मोटा मिलते रहता है, तकलीफें नहीं है। बहुत अच्छा मैनेज किया इस टाइम, बहुत ही अच्छा मैनेज किया। आई मस्ट पे लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि लॉक इन करने के बाद भी सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, और कहीं भी कोई ऐसी किल्लत नहीं है, और जो जहाँ है वहाँ इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम किया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने तो कितना कुछ किया है, ट्रके ले गए खानों के लिए, एंड दे आर हेल्पिंग आउट। तो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू टू एवरी सिटीजन, माई सेल्फ एंड एवरीबडी हुज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस कॉज, एंड वी आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग, होप दिस वर्क्स आउट। अब आज का जो टॉपिक है, कीपिंग नेशनल प्राइड इन फ्रेम, मैंने आज का सब्जेक्ट सुना है टाइटल इंडिया डे परेड। इंडिया डे परेड एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जहां 2 लाख लोग एकत्रित होते हैं। ये हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे, और ये होता है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। आप सोचो मैनहट्टन जैसी जगह हम इंडियंस बंद कर देते हैं उस दिन के लिए। यह 18-19 अगस्त को होता है या 20 अगस्त को होता है, वो डेट हर बार चेंज होता है, बट इट इज नॉट हेल्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे, वो 3-4 दिन बाद में होल्ड होता है। और वहां 125 से 150 फ्लोट्स बनती हैं, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये सब खुद अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से करते हैं, और फ्लोट्स बनते हैं बड़े बड़े, शोइंग इंडियाज प्राइड, इंडियाज कल्चर, इंडियाज थिंग इन मैनहट्टन, और लाखों लोग जमा होते हैं और वो परेड जाती है। मेरे गुड फॉर्चून ये है कि मैंने 3 बार इस परेड को ऑर्गेनाइज किया है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, और बहुत मुझे मजा आया था ऑर्गेनाइज करने में, और उससे मैं कई एक्टर्स को लेके गया था। जो मेन मेरे 2 एक्टर्स थे जो मैं 2 साल में कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में लेके गया था, एक बार मैं सैफ अली खान को लेके गया था, एक बार मैं अभिषेक बच्चन को लेके गया था। इसके लिए आप देखते हैं वो पोस्टर जो हमने बनाया हुआ है, एंड दीज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द परेड, क्या सिस्टम होता है, क्या होता है। हम अपने मेन एक तो होता है ग्रैंड मार्शल, उस साल का ग्रैंड मार्शल, पहले बार जब मैं गया था उसका मैंने सैफ अली खान को ग्रैंड मार्शल बनाया था, और ग्रैंड मार्शल अनफॉर्चुनेटली जब मैं डेट लेने गया था, मुझे डेट नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका बर्थडे था 16 अगस्त को, और वो थे स्कॉटलैंड में, जहां वो हर साल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे करने के लिए। एनीवे, मैंने कन्विंस किया उनको, और वो बर्थडे के 2 दिन बाद वहां से वो करीना फ्लाई डाउन किए उन्होंने मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, जहां वो रहे 2 दिन हमारी परेड के लिए। दिस वॉज जस्ट बिफोर मैरिज, उनकी शादी नहीं हुई हुई थी, तो आई थिंक दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 ईयर्स बैक, जब ये परेड पे हम लोग गए थे। एंड इतना मैं कह सकता हूं कि जिस डेडिकेशन से उन्होंने वो परेड को हैंडल किया था, एक तो सलामी लेनी पड़ती है जो 4 घंटे चलती है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्टैंड, 4 घंटे आप खड़े हैं और वो फ्लोट्स आपके सामने से जा रहे हैं, जो आप 15 अगस्त को यहां देखते हैं टीवी पे, वही वहां होता है। उन्हीं फर्क है, यहां इंडिविजुअल्स खुद करते हैं, हमारे इंडियंस भाई बहन वहां खुद करते हैं। मतलब एक लोकेलिटी, न्यूयॉर्क की एक सिटी, उसकी लोकेलिटी के लोग अपने आप फ्लोट्स बनाते हैं, अपने आप करते हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। दैट इज द सरप्राइज ऑफ द होल ब्यूटी, एंड द ब्यूटी ऑफ द थिंग इज इतना खूबसूरत है वो मंजर। और क्या उनका शुरू होता है, 9:30 बजे हमें नीचे होटल से उतरना पड़ता है, हम लोग सब जाते हैं, वो स्टेज पे खड़े होते हैं, वहां सब पानी और सब का इंतजाम होता है, और वहां से फिर परेड शुरू होती है। परेड जब शुरू होती है तो पहली जो बिगनिंग ऑफ द परेड है वो मैडिसन स्क्वायर से शुरू होता है, उसमें 38th स्ट्रीट और 27th स्ट्रीट तक वो जाती है परेड, बिटवीन मैडिसन एवेन्यू। और हम लोग वहां खड़े, पहले बिगनिंग होती है हमारे साथ जब हम ट्रक पे होते हैं, और वो जाती जब तक वो स्टेज नहीं आ जाता, स्टेज पे उतर के हम खड़े हो जाते हैं, फिर बाकी के फ्लोर्स हमारे सामने से निकलते जाते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है 2:30 बजे। 2 बजे कल्चरल शो बहुत बड़े पार्क में शुरू हो जाता है, आई थिंक हाइट कौन सा पार्क है, दैट इज एक पार्क है वहां जहां वो शुरू हो जाता है, एंड दैट पार्क में लाखों लोग इंडियंस वहां से उस जगह चल जाते हैं। वहां खाने पीने का अरेंजमेंट भी होता है,
और वहां हम पहुंचते हैं, वहां फिर एंटरटेनमेंट होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है और सब ये, दिस इज द फर्स्ट डे एक्टिविटी। और नेक्स्ट डे जो एक्टिविटी होती है वो होते हैं गाला डिनर, दैट इज अ ब्लैक सूट अफेयर, जहां हम सबको अवार्ड दिए जाते हैं और हम बातें करते हैं जो ग्रैंड मार्शल होता है उस इवेंट का। फॉर एग्जाम्पल सैफ अली खान था एक बार, अभिषेक बच्चन एक बार था, तो वो बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं और थैंक करते हैं फॉर ऑल द पीपल फॉर चूजिंग देम एज अ ग्रैंड मार्शल। सो दैट इज द इंडियन इंडिया डे परेड। आप इसके बारे में ऑन यूट्यूब ऑन योर फोन यू कैन सी ऑल द डिटेल्स, IMDb, आई थिंक ऑल द मेजर पेपर्स एंड द प्रेस कवर्स दोज शोज। एंड मेरा खुद खुश नसीबी है कि आई वॉज अ बिग पार्ट ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 times जब ये परेड हुई है। ये 1981 में फॉर्म हुई थी, अभी 39th ईयर हुआ, खत्म हो चुका है, 40th ईयर है इस अगस्त में। अब ये बात आती है कि क्या हम इसको हिस्ट्री में ले जाएंगे, क्या जैसे न्यूयॉर्क के हाल चाल है क्या ये परेड फिर होगी, क्या लाखों लोग एकत्रित होंगे इस जगह पे वापस, क्या हम ये सेलिब्रेट कर सकेंगे। बस यही प्रेयर है कि ये हम कर सके, इसलिए ये बात मैंने बताई थी कि भाई आई होप आर कल्चर, आर डाइवर्सिफाइड कल्चर गेट्स टूगेदर। अब रमजान का मौका है और रमजान में सब अंदर बंद होके अपने प्रेयर्स कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों और बहनों से कि जो कुछ हो घर में ही हो और एकत्रित ना हो जब तक ये आफत और ये वायरस जो हमारी जिंदगी पे आया हुआ है ये खत्म ना हो जाए। तो इसी दरख्वास्त से शुरू करते हैं एक गाना।